बदली बदली सी अभीरा की साथ बदले बदली सी रिश्तेदारी पहचान आई ना, ये है विद्या पोद्दार जिन्हें आप देखते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की सास और अरमान की मम्मी के रूप में। मिलिए श्रुति पनवर से जो सीरियल में सास का किरदार निभा रही हो, लेकिन आज ये सास बन गई है सासी, क्योंकि आज करा रही है अपना फोटोशूट और दिखा रही है वो रंग जो इनके सीरियल में आपने कभी नहीं देखे होंगे। किरदारों के उस पार कलाकारों की रियल जिंदगी कहीं उनके सीरियल दबा देते हैं, लेकिन सास बहू और बेटियां हमेशा आपको वो दिखाता है जो असली है और रियल है। और आज श्रुति का एक अनदेखा अंदाज हम आपको दिखा रहे हैं जो इनके सीरियल में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला, लेकिन हाँ आज हमारे कैमरे ने कैप्चर की इनकी अनोखी अदाएं। फिर चाहे वो वाइट वाइट बॉस लेडी वाला लुक हो या फिर उस स्कर्ट में सिंड्रेला वाला लुक जहाँ पर ये बिल्कुल अभीरा जैसी लग रही हैं, फिर चाहे हो इनका ग्रीन ऑफ शोल्डर लुक जहाँ पर ये बिल्कुल सास कहीं से नहीं लग रही हैं। श्रुति करा रही है अपना फोटोशूट जिसके खास नजारे लेकर है सास बहू और बेटियां। देखेंगे श्रुति के अलग अलग लुक, देखेंगे श्रुति का मेकअप कैसे होता है, सीरियल के उस पार क्या है श्रुति का ग्लैमरस अंदाज, और करेंगे आज श्रुति के साथ एक फोटोशूट वाला डे आउट। सो लेट्स गो, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, और शुरू करते हैं फोटोशूट। हम पहुंचे श्रुति उल्फत से मिलने इस खूबसूरत लोकेशन पर जहां पर श्रुति रेडी हो रही हैं, यानी चल रहा है उनका मेकअप। भाई मेकअप के लिए श्रुति ने पहनी है अपनी कैजुअल ड्रेस। पहले मेकअप की टीम ने उनके चेहरे को सजाया, साथ साथ हेयर टीम लगी हुई है उन्हें खास तरह का हेयर स्टाइल देने में। इसके अलावा वो आज अपने नेल्स पर भी काम कर रही हैं और साथ साथ डिफरेंट एक्सेसरीज उन्हें आज सजाने वाली हैं। मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के बाद श्रुति रेडी है अपने लुक नंबर वन के लिए। लुक नंबर वन का थीम है ग्रीन, और आज इन्होंने पहनी है ग्रीन ऑफ शोल्डर लिनन ड्रेस जो इको फ्रेंडली है, थोड़ी मॉडर्न है, थोड़ी स्टाइलिश भी। और श्रुति देखिए रेडी है इस ड्रेस के साथ, और जहां पर उन्होंने अलग अलग लुक्स दिए और फोटोग्राफर ने उनके उन लुक्स को कैप्चर किया। श्रुति ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है से की थी, और 20 साल के इस सफर में उन्होंने ढेर सारी फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज में काम किया, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने अंदर की उसी श्रुति को जिंदा रखा हुआ है जो बिल्कुल 20 साल पहले थी, और आज भी देखकर लगता है कि जैसे कोई लड़की अपना डेब्यू करने आई है, और ये लुक उसी का प्रमाण है। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये पहली बार है मेरे लिए, दोस्तों ये मेरे लिए पहली बार है, सो आई हैव नेवर डन दिस, सो आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव गॉट दिस
माई नेल्स सो लॉन्ग, सो अभी तो मुझे मुश्किल हो रहा है चीज़ें पकड़ने वकड़ने में, बट काजल खुद लगाती हूँ और मैं लिपस्टिक भी खुद लगाती हूँ। आज शायद लिपस्टिक भी मेरी शायद मेरे ख्याल से 10-15 सालों के बाद शायद किसी ने लगाई है। सो एवरीथिंग इज़ रियली रियली न्यू फॉर मी राइट नाउ। आई फील लाइक अ फ्रेशर होते हैं ना जो आर्टिस्ट नए नए आते हैं, वैसा फील हो रहा है मुझे अभी। एक्सेसरीज, दिस इज माई ओन वॉच एंड दीज आर दिस इज माई ओन रिंग एंड दीज आर वेरी ब्यूटिफुल रिंग्स दे गिवन। आई लाइक दिस ओ बिकॉज इट्स ऑल्सो अ सर्कल विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन योर लाइफ, लाइफ इज अ सर्कल, एंड ऑल्सो बिकॉज माई सन्स नेम इज़ फ्रॉम ओ एंड इवन माई लिटिल डॉगी सन ऑली हिज नेम इज़ फ्रॉम ओ, सो आई लाइक ओ एंड देन दीज लूप्स आर देयर, देर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। दिस सुगंधा स्टाइल इज She's stylized me with all these. I'm in awe of everything, how it's done, and I'm really enjoying myself. I've got my nails done. Rajashree is the one who's done my hair, and she's given me these nails. And Anamika is there who's done my makeup. And Sugandha has done the styling. And ये जो आप देख रहे हैं जो लिबास मैंने बहुत सुंदर, the green revolution जो मैंने पहना है वो बहुत ही सुंदर cotton linen में बना है, so it's very very skin friendly, environment friendly, it's very desi, it's very 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 beautiful to for your skin, and it's designed by Custard, so this is what it is, and you are here, aap hain, to hum sab bahut khush hain. Abhi chai mangai humne, hum iske baad chai piyenge. Shruti Ulfat ka look number 2 ke theme hai boss lady. Is beige ब्लेजर में श्रुति लग रही है कॉर्पोरेट सासू माँ। जी हाँ, पर्दे पर तो वो राजस्थानी सासू माँ बनती है, लेकिन रियल लाइफ में आज बॉस लेडी बनकर सबको चौंका रही है। वैसे आज देखिए वो डांस करने के मूड में है और उन्होंने दिखाए अपने डांस मूव्स इस लुक में जो बहुत ही हटके थे। फुल पैंट्स, ये भी लिनन है एंड ये बेज कलर है विच आई लव, एंड इसकी जो जैकेट इन्होंने दी है द ब्लेजर काइंड शॉर्ट ब्लेजर, वेरी ब्यूटीफुल, सो इट्स माई ओन क्लोथ्स, माई ओन डिज़ाइन, एंड ये मैंने एक जगह से टॉप लिया था, सो दैट्स दैट, एंड बिकॉज ये डायमंड्स है सो वी सेड वील डू लिटल डायमंड्स एंड थोड़ा ये डायमंड एंड या दैट्स अबाउट इट, बट अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लव इट, एंड थोड़ा सा पॉप कलर हमने दिया है तो यू नो शूज़ में दिया है हल्का सा पॉप कलर, सो दैट्स वॉट इट इज़ फॉर्मल लाइक अ बॉस लेडी काइंड ऑफ अ लुक इट इज़ एंड बट आजकल तो इट्स यू नो पहले होता था कि एग्जीक्यूटिव लुक, कॉर्पोरेट लुक, ऑफिस लुक, बट आजकल तो पीपल वेयर ब्लेजर्स अदरवाइज ऑल्सो,
तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड फॉर मी, मेरे लिए फैशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हाट फैशन जो बाहर चलता है, वो नहीं है. फैशन मेरे लिए वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ, जिसमें मुझे लगे कि यार दिस इज़ श्रुतीज क्लोथ्स, और जिसमें मुझे इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे सूट होना चाहिए. लुक नंबर 3, गर्ल नेक्स्ट डोर लुक. भाई इस लुक पे तो हम देखकर कंफ्यूज हो गए कि ये अभीरा है या उनकी सासू माँ विद्या, क्योंकि श्रुति बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे 20 साल पहले दिल तो पागल है में लगती थी. और कोई भी नहीं देखकर रह कहेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि अभीरा है या फिर उनकी सासू माँ. पर ये है स्कर्ट वाला लुक जहाँ पर उन्होंने ये क्यूट सी स्कर्ट पहनी है और स्नीकर्स पहने हैं, और देखकर बिल्कुल ऐसी लग रही है कि इन्हें पहचानना मुश्किल है. रियल लाइफ में श्रुति एक सिंगल मादा है, सीरियल में काम करती हैं, अब खुद को फिट रखती हैं और इंस्पिरेशन है सभी लेडीज के लिए जो वर्किंग होने के साथ साथ सबको इंस्पायर करती हैं. और कहीं ना कहीं श्रुति उल्फत का ये लुक उसी का प्रमाण है. वैसे इस लुक में श्रुति ने दिखाया अपने डांस मूव और उसके बाद कैमरे पर दिखाई अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर अदाएं. चंदेरी क्लॉथ और स्कर्ट, मेरे पास एक स्कर्ट थी जो ऐसी थी, तो मैंने मास्टर जी को बोला, अपने टेलर मास्टर जी को, कि मेरे लिए ऐसी स्कर्ट बना दीजिए. सो आई गॉट दिस चंदेरी कपड़ा. अमूमन लोग इसके सलवार कमीज़ बनाते हैं, लेकिन आई थॉट लेट मी मेक अ स्कर्ट एंड आई हैव दिस टॉप डिज़ाइन, तो मैंने ये टॉप बनवा दिया. वेरी सिंपल, वेरी स्वीट क्यूट लुक विद लिटिल स्नीकर्स एंड या दैट्स इट. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. एक्सेसरीज में आई थिंक आई जस्ट एडेड अ ब्रेसलेट, ये लिटिल कलरफुल, एडेड अ वॉच, सिंपल ऑफ वाइट वॉच, और तो कुछ नहीं. और कान में पर्ल, बिकॉज इट्स ऑल ऑफ वाइट आइवरी है, सो पर्ल इज़ लाइक इट्स वेरी पीसफुल, ब्यूटिफुल, वेरी, इट लुक्स वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो इन अ वे, तो इसीलिए मैंने बोला चलो इसको सिंपल सा रखते हैं एकदम. तीन तीन डिफरेंट लुक्स जोन के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में कभी नहीं दिखने वाले आज सास बहू और बेटियां का कैमरा आपके लिए लेकर आया. पर्दे पर सास का किरदार हो या फिर माँ का, श्रुति हर रोल में फिट बैठती है. लेकिन रियल लाइफ में भी उनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. देहरादून की रहने वाली इस कलाकार ने एक लंबा सफर तय किया है. जो है चयन है सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो ये सब इतना नहीं होता था, यू नो, बट आजकल है, तो मैंने बोला लेट्स गो विद द फ्लो, यू नो, मैं भी थोड़ा सा करती हूँ जो आजकल के ज़माने की चीज़ है, व्हाई नॉट, एंड आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली. और बेटियाँ के टीम के साथ मैंने ये फ़ोटोशूट किया है एंड दे केम टू काइंड ऑफ कैप्चर इट. और मेरा ये जो पहला अनुभव रहा है, बिकॉज मैंने कभी ऐसे फोटोशूट नहीं कराया है, सो दैट्स हाउ वीव यू नो स्पेंट अ लिटिल आफ्टरनून. हम 4-5 घंटे साथ में रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया है एंड मुझे ऐसा लगता है अब मुझे और करना चाहिए ये. तो उम्मीद है कि लोग जब भी ये रिश्ता क्या कहलाता देखे तो इस कलाकार को याद रखे जिनके ग्लैमरस अवतार आज दिखाए सास बहू और बेटियां ने. तो ये था श्रुति उल्फत का डे आउट जो सास बहू और बेटियां खास आपके लिए लेकर आया. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. आते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और वहां पर भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.